सभी को नमस्कार। केंद्रीय विद्यालय की फ़ीस की शुरुआत हो चुकी है और कुछ स्टेप्स हमने यहाँ लिखे हुए हैं। सबसे पहले वो लिंक दिया हुआ है जिससे हमें बैंक के पोर्टल पे जाना है और ये जो डेट्स दी गई हैं उनमें 22 मई 2020 से लेकर 20 जून 2020 तक दी गई है। सबसे पहले हम स्टेप्स को पढ़ लेते हैं कि सबसे पहले हमें अपने बच्चे की जो यूनिक आईडी है उसके नंबर पता होने चाहिए, उसकी डेट ऑफ बर्थ पता होनी चाहिए और एक कैप्चा जो है उसे लिखना होता है और फिर लॉगिन बटन पे जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो मेक पेमेंट का ऑप्शन आता है और उसमें जो है सबसे पहले हमें अपना मोबाइल नंबर डालना है, फिर ईमेल आईडी डालनी है और मेक पेमेंट करना है। मेक पेमेंट करने के बाद आपको वो ऑप्शन पे लेके जाएगा कि भाई आपको क्रेडिट कार्ड से, डेबिट कार्ड से या इंटरनेट बैंकिंग से आपको करना है। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि जैसे आप पोर्टल पे लिंक करते हैं तो आपको जो है ये वाला ऑप्शन दिखाई देता है। आपको पता ही है कि epay.unionbankofindia.co.in/kvfees और जो आपको ऊपर दिखाई दे रहा है सबसे पहला ऑप्शन यूनियन फी पे के नीचे मेक पेमेंट, जैसे आप उसको क्लिक करते हैं तो आपको ये वाली विंडो जो है दिखाई देती है। इस विंडो में आपने देखिए, सबसे पहले आप देखिए कि स्टूडेंट यूनिक आईडी दिया हुआ है, उसमें आप अपने बच्चे की यूनिक आईडी जो आपके स्कूल ने उस बच्चे को दे रखी है वो डालें, फिर उसकी डेट ऑफ बर्थ डालें और नीचे जो कुछ भी कैप्चा लिखा हुआ है वो डालें और लॉगिन पे क्लिक करें। आपको ये ऐसा जो है खुला हुआ दिखाई देगा जिसमें बच्चे का नाम, कौन सी क्लास में है, कितनी उसकी फ़ीस है, वो सब दिखाई देगा किस सेक्शन में है। आप पहले कंफर्म कर लें कि आप ही का बच्चा है। पता चला कि एक आध नंबर इधर उधर डालने की वजह से किसी और की फ़ीस जमा हो रही है, जो भी एंट्रीज उसमें इसमें लिखी हुई है इस कॉलम में वो पूरा कंफर्म कर लें। मेक पेमेंट पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो आपको ये वाला विंडो आपको खुला हुआ दिखाई देगा जिसमें फर्स्ट येलो इसमें आपको फ़ोन नंबर लिखने हैं, डिटेल्स भी देख लें कि बच्चे की डिटेल सही है ना, और नीचे फीस के बारे में भी देख लें, और दूसरे येलो वाले में आपको ईमेल आईडी लिखनी है। जैसे आप ये दोनों फिलअप करते हैं अपने बच्चे को कंफर्म करके, फीस का कंफर्म करके, तो आपको मेक पेमेंट करना है। जैसे आप मेक पेमेंट करते हैं तो आपका जो नेक्स्ट विंडो है वो ये खुल के आएगा। इसमें अगर आप इंटरनेट बैंकिंग से, कार्ड से या दूसरे पे ऑप्शन से अगर आप करना चाहते हैं तो उसका ऑप्शन दिया हुआ है। मान लीजिए कार्ड से है तो कार्ड का नंबर आपको लिखना है, उसका वैलिड इशू डेट, वैलिड अप टू जो भी डेट है उसको लिखना है, सीवीसी नंबर लिखना है और उस कार्ड पे किसका नाम लिखा हुआ है उसको लिख के मेक पेमेंट करना है। इसके बाद हम जब पूरे ऑप्शन को भर देते हैं, इंटरनेट बैंकिंग है तो आप जानते ही होंगे कि उसमें आपका लॉगिन आईडी और पासवर्ड और कैप्चा उसमें डालना होता है, और उसके बाद आपको एक जो है एक नंबर आएगा बैंक से, जो ओटीपी आता है वो यहाँ पे डालना है और उसके बाद मेक पेमेंट करना है। उस ओटीपी के बाद आप देखेंगे कि आपके बच्चे की जैसे फ़ीस जमा हो जाती है तो ये वाली विंडो खुलती है और उसमें चार एंट्रीज होती है, बच्चे की यूनिक आईडी होती है, ट्रांजैक्शन नंबर होता है और पेमेंट का जो है सक्सेसफुल है नॉट सक्सेसफुल है ये आपके पास आ जाता है। आप इसका स्क्रीनशॉट करके रख लें, इससे आपको बाद में किसी टीचर को दिखाने में आसानी रहेगी। और फिर अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि भाई
मैं पुरानी रिसिप्ट निकालना चाहूँगा कि मैंने अपने बच्चे की कितनी बार फ़ीस जमा करी है, तो ये जो पेमेंट हिस्ट्री वाला जो कॉलम है उसको आप क्लिक करें। जिस भी सेशन की आपको फ़ीस के बारे में डिटेल चाहिए, फी रिसिप्ट चाहिए, वो आपको वहाँ से मिल जाती है। और इसके बाद आपको जो फी रिसिप्ट मिलती है वो इस तरह की दिखाई देती है। आप इसका जो चेहरा है, जो इस रिसिप्ट का चेहरा है, वो अच्छे से देख लें, ताकि आपको रिसिप्ट की पेमेंट के बारे में नीचे डिटेल्स लिखी होती है सारी, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि ये हमारी रिसिप्ट है और ये हमारा पेमेंट मोड है। तो आपको जो बताने वाली बात थी कि सबसे पहले आप ई पे यूनियन बैंक पे जाएं, उसके बाद इस ऑप्शन ऊपर पेमेंट पे क्लिक करें, अपने बच्चे की यूनिक आईडी, डेट ऑफ बर्थ लिखें, कैप्चा लिखें, लॉगिन करें। उसके बाद जो ऑप्शन आपको विंडो खुलती है उसमें आप अपने बच्चे को कंफर्म कर लें कि ये बच्चा जो है नाम पता ठीक है, फीस ठीक है, सेक्शन ठीक है, क्लास ठीक है। उसके बाद पेमेंट करें। पेमेंट में सबसे पहले अपना येलो जो ऑप्शन दे रखा है वहाँ पे नीचे 6 नंबर का, उसमें अपना फ़ोन नंबर लिखें, इधर ईमेल आईडी लिखें, और फिर उसके बाद पेमेंट ऑप्शन पे क्लिक करें। आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से करना है, या कोई और ऑप्शन से करना है। आप उसकी डिटेल्स पूरी भरें, मेक पेमेंट करें, बैंक आपको ओटीपी देगा, और ओटीपी आप जैसे इंसर्ट करते हैं और सबमिट करते हैं तो आपका पेमेंट हो जाता है। आप पेमेंट की डिटेल्स चेक कर लें, ट्रांजेक्शन नंबर, बच्चे की आईडी और फ़ोन नंबर, सक्सेसफुल है, नॉट सक्सेसफुल है, पेंडिंग है। और अगर आप देखना चाहें कि आपके बच्चे की पेमेंट फीस का जो कितना आपने जमा कर दी है, कितनी नहीं करी है, किस सेशन में कितनी करी है, तो आप पेमेंट ऑप्शन पे, पेमेंट हिस्ट्री ऑप्शन पे जाएं और क्लिक करें, और उसकी जो डिटेल्स हैं उसके हिसाब से देख लें। आपको ऐसी एक रिसिप्ट प्राप्त होगी। मुझे लगता है कि आप सब लोग समझ गए होंगे कि कैसे फ़ीस जमा करनी है, और इस आसान तरीके को आप अपने जब भी फ़ीस जमा करें एक बार देखते रहें। और जिन लोगों को तकलीफ़ आ रही है फ़ीस जमा कराने में, उनको शेयर कर दें, और अच्छा लगे तो लाइक कर दें। धन्यवाद।